नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि हाउ सबमर्ज्ड रूट्स ऑफ पैडी सर्वाइव इन वाटर और टेक ऑक्सीजन इन वाटर लॉक्ड कंडीशन। जो धान है, धान की जो जड़ें हैं वो हमेशा पानी में ही रहती हैं, तो वो सर्वाइव कैसे करती हैं? कोई दूसरी फसल में आप पानी भर के देख लो, वो पूरा की पूरा पौधा मर जाएगा, सड़ जाएगा, उसकी जो रूट है वो पूरी की पूरी सड़ के गल के बेकार हो जाएंगी। लेकिन धान के केस में ऐसा नहीं होता, पैडी के केस में ऐसा नहीं होता। पैडी के केस में उसकी जो रूट होती है वो सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, और प्लांट को भी कुछ नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में, वाटर लॉक्ड कंडीशन में, कि पानी भरा हुआ है, जलमग्न कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में पैडी की जो रूट है वो सर्वाइव कैसे करती हैं? वो उस वाटर लॉक्ड कंडीशन में ऑक्सीजन कैसे ले सकती हैं? कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? देखिए, यहाँ पर ये मैंने एक पैडी का बनाया है। पैडी जैसा लग रहा हो तो ठीक, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मान लो कि ये पैडी है। देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसका, नीचे वाला, ये तो पूरा की पूरा इसका पानी में डूबा हुआ रहता है। यहाँ तक रूट इसकी पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई रहती है। ठीक, ये रही इसकी रूट पार्ट। इसकी रूट जो है वो पूरी की तरह से पानी में डूबी हुई है, सबमर्ज्ड इन वाटर। इसकी जगह कोई दूसरा प्लांट होता तो वो मर जाता, क्योंकि यहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती। वाटर लॉक्ड कंडीशन है ये। कैसी कंडीशन है? वाटर लॉक्ड कंडीशन बनती है। और वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा। कोई ऑक्सीजन नहीं होगा मतलब कि एनएरोबिक कंडीशन यहाँ पर बनेगी, और एनएरोबिक कंडीशन यहाँ पर जब बन जाएगी, कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये जो रूट है, ठीक है, ये क्या होंगी सब आपकी, सड़ने लगेंगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी ये जो आपकी रूट्स हैं, तो प्लांट भी मर जाएगा। लेकिन पैडी के केस में ऐसा नहीं होता। पैडी की तो पूरी ग्रोथ स्टेज में ही अपन को पानी भर के रखना पड़ता है। तो ऐसा कैसे होता है? ये जो रूट्स हैं वो सड़ती क्यों नहीं है? ये ऑक्सीजन लेती कहाँ से? देखो, अगर मैं इस रूट को थोड़ा सा जूम करूँ और इसका क्रॉस सेक्शन करूँ, जैसे कि ये रूट है और इसको अगर मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ पर करता हूँ रूट का, ये मान लो कि ये रूट रही और इस रूट का मैंने क्रॉस सेक्शन किया, तो इस रूट को कैसे देखा जा सकता है? जैसे कि ये रूट है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया और फिर ऐसे देख रहे हैं अपन, तो ये रूट आपका आपका डायग्राम नज़र आएगा। अब इसको आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। देखो, ये जो अपर मोस्ट पार्ट है इसको तो कहते हैं हम इपीडर्मिस, ठीक, जिससे अपन का कोई मतलब नहीं है। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको कहते हैं एंडोडर्मिस, ठीक है। इसके अंदर पाए जाते हैं आपके वैस्कुलर टिश्यू। ये है आपका जाइलम, जो पानी का और मिनरल्स का फ्लो करता है। ये जो आप देख रहे हो बाहर, ये है आपके गैस वैक्यूल, ठीक है, एयर स्पेस। ये क्या देख रहे हैं आप? एयर स्पेस। इनको कहते हैं अपन एरेनकाइमा टिश्यू। इनको कहा जाता है एरेनकाइमा टिश्यू। ये टिश्यू ऐसे होते हैं जिनके अंदर एयर स्पेस पाए जाते हैं, इस तरीके के। ये जो एयर स्पेस है वो इन एरेनकाइमा टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनकी रूट में रहते हैं और पूरे प्लांट के ऊपर तक रहते हैं। अब ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन लिया जाता है इनकी लीफ के द्वारा। ये रही इसका लीफ। ऑक्सीजन जो है वो कौन लेता है? इनकी लीफ लेती हैं। ऑक्सीजन इनटेक कहाँ से हुआ? लीफ से हुआ। यहाँ से लीफ से ये ऑक्सीजन जाता है, नीचे जाएगा इसकी स्टेम से होते हुए और इनकी रूट में पहुंचेगा। और इनकी रूट में क्या पाए जाते हैं? एरेनकाइमेटस टिश्यू। तो ये ऑक्सीजन इन एरेनकाइमेटस टिश्यू से होते हुए पूरी रूट में सप्लाई कर देता है, जिससे इन रूट को ऑक्सीजन मिलती रहती है और ये रूट जो है वो बेकार नहीं होती, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है। इनके अंदर प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है और ये न्यूट्रिएंट वगैरह को अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और समझो आप। आपने देखे होंगे बड़े बड़े समुद्र जो होते हैं, ओशियन जो हैं आपके, ठीक है, या फिर नदियों की अगर आप बात कर लें, या फिर आप तालाब की बात कर लें, कोई पॉन्ड की बात कर लें, बड़े बड़े समुद्र हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, इनके अंदर जब आप देखते हो तो इनके अंदर जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, क्या ये सबमर्ज्ड प्लांट, इनके अंदर भी एरेनकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर जगह एरेनकाइमेटस टिश्यू नहीं होते। तो ये जो सबमर्ज्ड प्लांट हैं, जो बड़ी नदियों में, बड़े समुद्र में और या तालाबों में जो पाए जाते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? इनको ऑक्सीजन मिलती है एल्गी से। इनको ऑक्सीजन किससे मिलती है? एल्गी से। स्पेशली किससे? ब्लू ग्रीन एल्गी से। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अपना फोटोसिंथेसिस करती है,
जब ये फोटोसिंथेसिस करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो हमेशा पानी के अंदर ही रहती हैं, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगी तो हमको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो ये ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलेगा और इसी ऑक्सीजन को कौन यूटिलाइज कर लेते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स। अच्छा, ये जो एरेनकाइमेटस टिश्यू हमने पढ़ा, इस एरेनकाइमेटस टिश्यू का कोई और फंक्शन है क्या? हाँ, ये जो एरेनकाइमेटस टिश्यू है ये ऑक्सीजन तो सप्लाई करते ही हैं, इसके अलावा इनका काम फ्लोटिंग में भी है, मतलब ये बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे प्लांट आपने ऐसे फ्लोटिंग प्लांट देखे होंगे जो सतह पर तैरते हैं, जैसे आप या खुद भी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, किसी भी प्लांट को कट करो और उसको पानी में फेंक दो, देखोगे आप पानी में तैरता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसका एक कारण ये भी है कि उसके अंदर क्या है, एरेनकाइमेटस टिश्यू है। या फिर आपने बहुत सारे फ्लोटिंग प्लांट्स देखे होंगे जिनकी जड़ें तो नीचे रहती हैं लेकिन उनकी पत्तियां सतह पर रहती हैं, जैसे कमल का फूल हो गया, ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ये फ्लोटिंग प्लांट्स कैसे पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, इस एरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से, क्योंकि इस एरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर क्या है, एयर स्पेस है। क्या है इनके अंदर, इस तरह के एयर स्पेस इनके अंदर पाए जाते हैं, ये एयर स्पेस इनको डूबने नहीं देते और पानी की सतह पर ये तैरते हैं। पैडी के अंदर हम बात करते हैं तो यही एरेनकाइमेटस टिश्यू उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पर जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक प्लांट के अंदर एरेनकाइमेटस टिश्यू हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी उसको देते हो और वो पाई जाती है, तालाबों में पाई जाती है, नदियों में पाई जाती है, आपकी ओशन में हर जगह पाई जाती है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये ऑक्सीजन पानी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और वही ऑक्सीजन इन प्लांट्स को मिल जाता है। पैडी के केसेस में भी अपन ब्लू ग्रीन एल्गी देते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, तो वहाँ पर भी अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर देते हो तो वो भी आपका फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑक्सीजन देगी, तो उससे भी आपके प्लांट को काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है भाई, तो ये आपका समझ में आ गया कि पैडी की जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर क्यों नहीं सड़ती, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है।